हेलो फ्रेंड्स, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमने नेक्स्ट फोर टर्म बतानी है। देखिए जो है, मैंने आपको फार्मूले तो लिखवाए हुए हैं एपी के, एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वन को लिखने का फार्मूला क्या है, ए वन को राइट करने का फार्मूला है ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। वन माइनस वन जीरो हो गया तो ए प्लस जीरो डी इज इक्वल टू ए। और ए टू को राइट कैसे करेंगे, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस वन इंटू डी। इस तरह से ए थ्री का फार्मूला ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। और इसी तरह से ए फोर का फार्मूला ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। आपने फोर टर्म बतानी है, मैंने फोर टर्म का फार्मूला जनरल फार्मूला राइट कर दिया है। ए और डी आप पुट करते जाइए और सीरीज को बनाते चले जाइए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखिए, राइट द फॉलोइंग ए पी फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने इसमें से फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना है और कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल है, जो नंबर सबसे पहले दिया हुआ सीरीज में वो आपका ए वन है। ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म। और आपने कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, ए टू माइनस ए वन। ए टू कौन सा है, सेकंड नंबर, और ए वन कौन सा है, फर्स्ट नंबर। माइनस करके आप बता दीजिए कॉमन डिफरेंस कौन सा है। ए वन भी पता लग गया आपको और कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया। इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने।